दहशतगर्दाना हमले को लेकर दिल्ली में जबरदस्त सिक्योरिटी का इंतजाम होता है, लेकिन आप देख सकते हैं हम अभी कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में है। ये ऐसा पार्क है जो बहुत मसरूफ है, जहां खासतौर से छुट्टियों के दिनों में बड़ी तादाद में लोग आते हैं। आप देख सकते हैं जिस तरीके से लोगों का एक हुजूम है, लोगों की एक भीड़ है, लेकिन इस जो एनडीएमसी का जो ये पार्क है, इसकी जो व्यवस्था है, जो सिक्योरिटी का इंतजाम है, वो महज इन दो गार्डों पर मुनहसर है। और आप देख सकते हैं ये गार्ड, जिस तरीके से आप देख सकते हैं ये जो लाइन है, एक लंबी कतार है, जो लोग आ रहे हैं मेटल डिटेक्टर के नाम पर, सिक्योरिटी के पास कुछ भी नहीं है, ये एक नॉर्मल सी चेक इन है और जिसे कोई भी पार कर सकता है, जिस चेक इन को कोई भी क्रॉस कर सकता है। लेकिन मेटल डिटेक्टर की बात करें तो कुछ भी यहाँ पर किसी तरह की कोई मशीन काम नहीं कर रही है और एक नॉर्मल सी चेक इन के सहारे ये तमाम लोग इस पार्क में आ रहे हैं। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं महिला गार्ड भी है, खातून गार्ड भी है, लेकिन वहां भी ये नॉर्मल सी चेक इन। और कितना तहफुज भरा है, कितना सिक्योरिटी है, कितना सिक्योर है दिल्ली और कितना सिक्योर है ये पार्क। जिस तरीके से लोग यहाँ पहुंचते हैं, इतनी बड़ी भीड़ लोगों की, हम जानने की कोशिश करते हैं। नहीं नहीं, यहाँ पे सिक्योरिटी का कोई अरेंजमेंट नहीं है, ओनली एक ही गार्ड खड़ा है जो उसको चेक कर रहा है और उसके पास कोई उपक्रम या उसके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है चेक करने के लिए। जो ये कर रहा है, ही इज ओनली परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी, ही इज नॉट चेकिंग एनी। अगर कोई किसी बंदे के पास कोई नीचे हो, किसी के पास किसी तरीके का हथियार हो, उसको वो फाइंड आउट करने का कर नहीं रहा। जो आप देख रहे हैं भीड़, दीज आर ओनली पीपल वेस्टिंग देयर टाइम। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की यहाँ पूरी जो व्यवस्था है। मैं आपको दिखाऊं ये भीड़, जिस भीड़ के कितनी भीड़ है जो यहाँ से आती है, जो इस पार्क में आती है, खासतौर से छुट्टियों के दिनों की अगर बात कर ले, बड़ी तादाद में लोग यहाँ आते हैं, घूमने आते हैं, पार्क है, लेकिन सिक्योरिटी के नाम पर कुछ भी नहीं है, जो इस बात को जाहिर करता है कि दिल्ली पुलिस और एनडीएमसी का सिक्योरिटी पर कोई ध्यान नहीं है। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अंजर उल्लाह, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।